हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आ गया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा की तरफ से। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो बाराबंकी की खबर की है और बाराबंकी में खबर निकली हुई है। और अगर आप ये खबर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर के पूरी खबर पढ़ सकते हो और देख सकते हो दोस्तों। तो पूरा अंत तक की वीडियो बने रहिएगा इस खबर पे, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ उस वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। लिखा है वहाँ पर दोस्तों, बदलाव की बयार में यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे परीक्षार्थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे क्या निकला हुआ है, पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। जिले में इस बार 106 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा संचालित होगी और इसमें 7,946 परीक्षार्थी शामिल होंगे और सभी परीक्षार्थी केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर व सीसीटीवी कैमरा लगाया जा चुका है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, यानी कि जिस भी स्कूल में अभी तक वॉइस रिकॉर्डर या फिर कोई भी सिस्टम अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसकी जांच कर रहा है यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये खबर लिखी हुई है, राजकुमार जिला विद्यालय निरीक्षक हैं यहाँ के बाराबंकी के। अब यहाँ से पूरी खबर पढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस कारण जिस प्रश्न पत्र के दो पेपर होते थे, उसी जगह में प्रश्न पत्रों में सारा पाठ्यक्रम परीक्षार्थियों को समेटना होगा। और इसके अलावा पहली बार वॉइस रिकॉर्डर व दो सीसीटीवी कैमरे परीक्षा कक्षों में लगाए गए हैं और NCERT के पाठ्यक्रम को लागू करने में इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बड़ा बदलाव है। पहले हर विषय के दो पेपर होते थे, मगर अब एक पेपर होगा और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक ग्रह विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, उर्दू और अंग्रेजी सभी विषयों को एक एक प्रश्न पत्र होगा, जबकि पाठ्यक्रम लगभग उतना ही है। और इस वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, बिकॉज पहली बार आप सब NCERT की परीक्षा देने जा रहे हो। आप सभी लोगों को नहीं पता है कि NCERT में पेपर कैसा आता है। पेपर पैटर्न तो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे, और अगर आप पेपर पैटर्न के लिए मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल ओम ट्रिक्स पे मिल जाने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता आशीष पाठक का कहना है कि यूपी बोर्ड द्वारा लागू किया गया प्रथम वर्ष है, इसमें हर विषय का एक एक प्रश्न पत्र होगा, NCERT पद्धति पर आएगा, ऐसे में छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर पाना और उसकी परीक्षा 3.25 घंटे में दे पाना एक चुनौती सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको बहुत सारी चुनौती मिलने वाली है परीक्षा के आते आते और बहुत दिक्कत होने वाली है परीक्षा को करने में, बिकॉज आपको 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जा रहा है केवल एक पूरे प्रश्न पत्र को ख़त्म करने के लिए, और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है दोस्तों। और यूपी बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम से समानता के लिए सरकार का एक कदम उठाया गया है कि कदम आगामी वर्षों में निश्चित रूप से छात्रों के लिए हितकारी होगा, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं की काफ़ी मदद होने वाली है। आपके लिए, आपकी भले के लिए NCERT पैटर्न लगाया गया है, बिकॉज आपको NCERT पैटर्न में जो आपके जो क्वेश्चंस होते थे उनकी एक शब्द सीमा निर्धारित कर दी गई है, जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो एक तरफ से आपका NCERT आपके हेल्प भी कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में डर बना हुआ है कि NCERT पैटर्न में पेपर कैसे आता है। तो अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो यही एक खबर थी जो मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी और बची है, पढ़ देता हूँ दोस्तों। NCERT पाठ्यक्रम लागू होने से अब इंटर में हर विषय का एक पेपर होगा। कक्षा 11 में दो पेपर दिए थे छात्रों ने, कक्षा 11 में जो
हाफ ईयरली की पेपर हुआ था उसमें दो दो पेपर दिए थे, मगर अब इंटर की पेपर में एक एक पेपर होगा दोस्तों। तो आप पूरी खबर जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज आपकी ये जो परीक्षा है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों अगर आप ये पूरी खबर पढ़ना चाहते हो तो खबर को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट पे दे रखा है, आप मेरी वेबसाइट पर जा करके इस खबर को पढ़ सकते हो दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके खबर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों से, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पे, ताकि इस वीडियो को हर एक यूपी बोर्ड का छात्र देख सके, हर एक यूपी बोर्ड का बच्चा देख सके, जिसकी हेल्प हो सके इन खबरों के द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा। तो तुरंत आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।